व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग ए फॉर निंजा वाईटी। तो आ चुके हम कौन ना कॉल ऑफ ड्यूटी के वीडियो के साथ वापस। तो आज हम वापस खेल रहे कॉल ऑफ ड्यूटी वही सेम मैप, क्योंकि मेरे को मैप बहुत ही पसंद है और ये छोटा भी होता है और इसमें मतलब जल्दी फाइटिंग होती है ये वो। तो मैं वापस उतरा हूँ सेल हाउस में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ही बंदे उतरते हैं। तो मैं देखता हूँ इधर बहुत ही बंदे उतर रहे हैं, पर पहले के हिसाब से तो बहुत ही कम हो चुके बंदे। तो मैं क्या कहते हैं, मेरे को लेटना नहीं आता था ना कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो मैं ऐसे ही ट्राई ट्रे मार रहा था और मैं जैसे ही लैंड हुआ लेटते गिरा। तो अभी देखो मैं ट्राई मार रहा हूँ एकदम कैसे लेटते हैं। तो मेरे को समझ आ गया, तो यार मेरे को मिली Q9, पता नहीं क्या था इसका नाम, और एक गन मिली मेरे को SMG, और मैं एमो लेने भाग तो जल्दी इसकी और वापस मैं लेट रहा हूँ। मतलब एकदम पीरो बनना चाहिए ना। और यहाँ मैं उठा तो स्नाइपर, क्योंकि स्नाइपर के अलग ही मजे हैं। और मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ, मेरे को एक दिखता है बंदा जो कि लूट कर रहा था मेरी तरह, तो मैं स्कोप ऑन कर दिया, मैंने गलती करी पर फिर भी मैंने इसे मार दिया जैसे तैसे। और इस टाइम मेरी किस्मत बढ़िया थी, मैंने इसे मार दिया। तो यार मैं बाहर जा रहा था लूटपाट के, वहाँ एक बंदा दिखा जो दूसरे बंदे को मार रहा था, मैंने उसके बंदे का किल चुरा लिया और इसको भी मार दिया। तो यहाँ मेरे हो जाते तीन किल एकदम स्टार्टिंग में उतरते सारी। और यहाँ मैं जा रहा हूँ तो मेरे को एक और बंदा दिखता है, तो मैं इसे भी मार देता हूँ अपनी SMG से, और इसकी हम पेटी लूटेंगे। अभी पहले चीज़ें लूट लें। तो यहाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ मेरी पिंग इतनी फ्लक्चुएट कर रही होती है ना, मतलब ये बंदा पता नहीं कहाँ मर रहा है कब मर रहा है, कोई टाइमिंग ही नहीं है। और यहाँ मैं बंदे की वापस पेटी लूटता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हूँ। और फिर हाँ मैं उसकी पेटी लूट के जा रहा होता हूँ, तो यहाँ मेरे कुछ फुट स्टेप्स आते हैं तो मैं इस बंदे को मारता हूँ एकदम सिर में गोली। और ये बंदे को भी मैं थोड़ा जिगल करके मारता हूँ, अभी आएगा। तो इस बंदे को मैं दे जिगल करके मारता हूँ और लेट के एकदम पट्टे से हेडशॉट। तो मेरी हीलिंग नहीं थी तो मैं इसे जरा सा डैमेज दे के भागा, पर मेरे को इसका किल मिला नहीं था है। तो मैं वाह फिर हीलिंग करके छत में जाता हूँ, तो मैं मेरे दिखते एकदम सुपरमैन बनते खुदे मार रहा था, तो मैंने इसे भी नॉकडाउन कर दिया और चॉपर से इसे भी मार दिया, मतलब चॉप। और ये बंदा वापस रिवाइव हो जाता है और ये उसे मार के मार दिया। तो इस मैप की मेरे को सबसे बढ़िया, मतलब हर एक मैप में होता है सही, एक ही मैप हो रहा है और क्या कहते हैं अपना रिवाइव हो सकता है, आपकी कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ मैं आता हूँ वापस, तो जैसे ही लैंड होता हूँ मेरे को मिलती है एक गन। तो यहाँ मैं ऐसे ही चल रहा होता हूँ और ये मेरे को बंदा दिखता है और इसे देखो क्या OP मारा मैंने एकदम नाइफ से। इसको मैंने पहले डैमेज कर दी थी और बाद में मैंने 2-3 नाइफ मारे और इसकी हेल्थ खत्म। तो फिर इसकी पेटी लूटते हम जा रहे थे और यहाँ मेरे को दिखा चॉपर वाला बंदा, जिसके वह M249 थी, मतलब ये चॉपर होते हैं इसमें M249, तो इसे भी मार देते। जैसे इसकी पेटी लूट रहा तो साइड से एक बंदा आता है मेरे को नॉकडाउन लो ML नॉक करने वाला होता है, मैं इसे मार देता हूँ एकदम ईजिली। तो यह मेरे हो जाते ईजिली 10 किल बिना कोई टेंशन के, पर बीच मेरे को मार दे थोड़ी से। तो यहाँ मैं इसे भी मार देता हूँ जो मेरे टीममेट को मार रहा था, इसकी प्लानिंग थी चुपके स्नाइपिंग करके मार दो, और इसे भी मैं मार देता हूँ। और यहाँ एक बंदा मुझे लैंडिंग कर रहा था, तो मेरी एमो खत्म हो जाती है, पता नहीं क्या चुपके से करते भी ये नॉक हो जाता है KQ9 से। मतलब इसे आधे मैच में मैंने KQ9 ही यूज़ किया है, और यहाँ मैं मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा मेरा टीममेट नॉक पड़ा है और मैं तब भी नहीं उसे बचाने जा रहा। तो बंदे पानी में लैंड हो रहे थे, तो यहाँ आखिरी बंदे दिखते जिसे मैं मार कर ले। तो मिशन कम्प्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर से आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।